Greetings to all dear students. So as we already started the topic tenses in our previous video and we have completed the first type, that is simple present tense or present indefinite. So today we will going to move on the next type, that is present continuous tense. So dear students, hum samajhte hain ki present continuous tense ka basically matlab kya hai. Present matlab abhi jo present chal raha hai. कंटिन्यूस मतलब लगातार. टेंस का मतलब काल, जो हमें टाइम बताता है और काम कितना कंप्लीट हुआ है या कितना हो चुका है या होने वाला है उसके बारे में बताता है. द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शन इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है वो हमें ये बताता है कि जो काम है जो प्रोग्रेस में हो रहा है किस समय, जिस समय हम बात कर रहे हैं या बात करने के आसपास के समय में. इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज़ गोइंग ऑन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर एंड इज़ टॉक्ड अपॉन इन प्रेजेंट. मतलब कि जो काम फ्यूचर में होने वाला है उसके बारे में भी अगर हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमें वो बताता है. और ये लगातार काम को चल रहा होता है उसको डिस्क्राइब करता है. इन दिस एन ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड. ऑक्सिलरी वर्ब इसमें यूज होती है, वो होती क्या समझते हैं, इज आर एम. ये तीन तरह की वर्ब्स हैं ऑक्सिलरी वर्ब जो अब यूज होंगी. मेन वर्ब जो होगी वो यूज होगी इसके कंटिन्यूस फॉर्म में जिसमें हम आई एन जी ऐड कर देंगे. लेट सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्ले, सो प्ले अगर हमारी मेन वर्ब है तो प्ले के आगे आई एन जी लग जाएगा और हम उसको प्लेइंग करके यूज करेंगे एज अ मेन वर्ब. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लुक एट दी सम एग्जाम्पल्स. सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. अब हम पढ़ते हैं टेंस की फॉर्मेशन अफर्मेटिव सेंटेंस में, जो सिंपल सेंटेंस हम यूज करते हैं बेसिकली. डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है सब्जेक्ट क्या होता है. टेंसेस चैप्टर आप पढ़ रहे हो और सेंटेंसेस जो मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस लेसन में, मैंने आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बताया था. तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही हो. इज आर एम हमारी तीन ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो यूज होंगी, मैं आपको अभी भी बता चुकी हूँ. एक्शन वर्ब भी मैंने आपको भी बताया, जिस बारे में हम, जिस वर्ब, जिस काम के बारे में हम बात करेंगे उसके पीछे हम आई एन जी पुट कर देंगे. ऑब्जेक्ट, जो भी काम हो रहा है वो किस चीज़ के साथ हो रहा है या कहाँ हो रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है. और ज़रूरी नहीं हर बार हो, अगर है तो. इस बेटा हमारा एक सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब है जो यूज़ होता है एक बॉय, ही, एक गर्ल, शी, एक सामान, एनीथिंग, और किसी एक का नाम जो कि वन पर्सन हो और वन. ओके, आर बेसिकली यूज विद दी प्लूरल थिंग्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स, दे, यू, वी, टू नेम्स. इट कैन बी हैपन दैट राम एंड श्याम, सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज, वो एक से ज़्यादा है तो वो आर ही आएगा. बस आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर वो ही, शी, इट और नेम है तो आप उनके साथ लगाए इज. अगर वो ही, शी, इट, नेम नहीं है तो वो आर की कैटेगरी में ही फॉल करेगा. एंड द थर्ड एम, एम बेटा हमेशा आई के साथ ही आता है. तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से इसको समझते हैं. शी, अब हमने कैसे ये सेंटेंस की फॉर्मेशन की ज़रा देखते हैं. मैंने लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया शी. इज़ आर एम में से अब आप बताइए कि ये शी क्या है. मैम ये तो एक है. ओके बेटा, तो आप इज़ लगा दो. वैसे ही मैंने इज़ लगाया. अब बेटा अगर आप कोई सेंटेंस बना रहे हो तो आपको ये तो पता होगा ना कि वो शी कर क्या रही है. आपने बोला वो प्ले कर रही है, तो मैंने बोला ओके बेटा देखो यहाँ लिखा है एक्शन वर्ब तो आप भी प्ले लिख दो. फिर आई एन जी है, आप भी आई एन जी लगा दो. ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ कर रही है वो प्ले, इन द पार्क. वैसे ही अगर आप दे, वो लोग कहाँ प्ले कर रहे हैं, तो वो लोग कितने हैं, बहुत ज़्यादा, तो आप उनके साथ आर लगा देंगे और फिर वही प्ले, एक्शन वर्ब, आई एन जी और फिर अपना ऑब्जेक्ट, और आई के साथ एम लगता है, वो मैंने आपको बता दिया है उसी तरीके से होगा. डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू नो कि आप, हम लोगों को नेगेटिव सेंटेंस बनाने को भी बोला जा सकता है. तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको पुट नॉट आफ्टर इज आर एम, जहाँ भी आपने इज आर एम लगाया उसके तुरंत बाद नॉट लगा देंगे तो आपके सेंटेंसेस एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएंगे नेगेटिव फॉर्म में. नाउ वी विल गोइंग टू मूव ऑन द थर्ड, दैट इज
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. ये स्टूडेंट्स जब आपको कुछ पूछना होता है तब आप उन सेंटेंसेस में हल्का सा चेंज करके उन्हें इंटेरोगेटिव चेंज कर देते हैं, सेम एज नेगेटिव वन. इंटेरोगेटिव में आपको करना कुछ नहीं होता है, स्टार्ट सेंटेंस विद इजारम. आपको अपना सेंटेंस जो होता है उसको इजारम से स्टार्ट करना होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है. जैसे कि आप फर्स्ट सेंटेंस देख सकते हैं, शी इज़, तो हमने इसको आगे लगा दिया, यहाँ पर इसको आगे लगा दिया और शी को यहीं रहने दिया. बाकी पूरा सेंटेंस सेम है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. सो इन दिस वे यू कैन फॉर्म योर इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. एंड मोर ओवर, आई वुड लाइक टू लेट यू नो ओनली वन थिंग, दैट इफ यू रियली लाइक माई वीडियो, सो जस्ट सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन, हिट द बेल आइकन, सो दैट यू विल नॉट मिस एनी ऑफ माई कमिंग वीडियोज. एंड लीव द कमेंट सो दैट आई कैन गेट टू नो योर व्यूज टूवर्ड्स माई वीडियोज. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय स्टूडेंट्स.